हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेटामॉर्फोसिस में फिर से एक बार। और अगर आज की वीडियो के लिए कहें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और आपको इसको पूरा सुनना है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, क्या आप इग्नू या UoU के MA या BA के स्टूडेंट्स हैं जो एक सही कोचिंग या मार्गदर्शन के लिए किसी मेंटर को ढूंढ रहे हैं, या फिर क्या आप PhD करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है जिसमें चाहे लिखने से रिलेटेड हो, चाहे सिनॉप्सिस बनाने से रिलेटेड हो, चाहे चैप्टर डिज़ाइन, चाहे रिसोर्सेज और उसमें एडिटिंग से रिलेटेड हो, और जिसे हम PhD कंसल्टेंसी कहते हैं, और या फिर क्या आप राइटिंग स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड चाहते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं, या फिर आपके राइटिंग पैटर्न या ग्रामर स्किल्स और आपके राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अगर ये सब आप चाहते हैं तो मेरे पास आज एक नहीं बहुत सारी खुशखबरी आपके लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ये सब आप चाहते हैं और BA और MA इंग्लिश वाले भी अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं और लिखना सीखना चाहते हैं, रियल में लिटरेरी एटीट्यूड क्या होता है, कैसे पोएम को पढ़ा जाता है, कैसे हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, तो या फिर आप UKPSC या फिर लेक्चरर के इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छी वॉइस लाइक ग्रिप यू वांट टू डेवलप और आप उसको श्योर क्रैक करना चाहते हैं और इंटरव्यू में एक ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहते हैं जो ना सिर्फ कितने स्टेट्स के बोर्ड का जो है बोर्ड में मेंबर रहे हों, बल्कि कितने सिलेक्शन बोर्ड में रहे हों, कितने इंडिया लेवल के सिलेक्शन बोर्ड्स में रहे हों, और उन्हें जो है 45 साल से ज़्यादा का अनुभव हो लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में, और जिन जो एक पूरे नेशनल फिगर हों, जिनको हर कोई जानता हो इंग्लिश लिटरेचर में। तो अगर आप ये सब चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं कैसे मेंटोर का, जो आपको एक एक स्टेप से लेके आपको एक मास्टरी की ओर बढ़ाए और आपकी एक एक दिक्कत को समझे, क्योंकि उनके 45 वर्षों का अनुभव उस एक एक बारीकी को जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वेरी स्टॉलवर्ट ऑफ द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रोफेसर HP शुक्ल, एक्स डायरेक्टर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने ना सिर्फ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और आज 45 साल के अनुभव के बाद नाउ ही इज़ रिटायर्ड एंड ही इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट एंड दोज हु पर्टिकुलरली वॉन्ट टू जस्ट कमांड और जस्ट डिवेलप देयर स्किल्स पर्टिकुलरली इन राइटिंग एंड कम्युनिकेशन इन स्पोकन इंग्लिश। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, मेटामॉर्फोसिस ज्वाइन कर रहे हैं जो है प्रोफेसर HP शुक्ल, और अब जब मेटामॉर्फोसिस में मैं सिर्फ अकेला था इंग्लिश लिटरेचर में, अब ये जो आपको अभी तक जो एक्सपर्टिज मिलती थी वो एक दो गुना नहीं, अब 4 गुना होने वाली है, और आपको एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट मिल रहे हैं। यकीन मानिए, उनके अंडर में मैंने भी काम किया है, वो मेरे भी गुरु हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं और बहुत ऐसे लिटरेचर में जो है इस तरीके से लोगों को गाइड किया है कि वो जहाँ भी गए हैं वो उन्होंने लोगों के जीवन में, उनके मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ी है। तो अब मेटामॉर्फोसिस सिर्फ नागेंद्र नहीं, बल्कि अब प्रोफेसर HP शुक एंड डॉक्टर नागेंद्र दो लोग मिलके संभालेंगे, और आने वाले दिनों में हम इंग्लिश को जो है और बेहतर मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी में हम बैठे हुए हैं और पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम सारी चीज़ें चलाने वाले हैं। फ़िलहाल LT और लेक्चरर और नेट के कोर्स मेरे पास चल ही रहे हैं, और अब हम जो है ग्रामर भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कोचिंग जो सिर्फ LT या लेक्चरर में, अगर वो समझते हैं कि वो लेक्चर लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं और ग्रामर में कहीं मात खा रहे हैं, तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। और मैं 1 तारीख से ग्रामर शुरू कर रहा हूँ, 1 अगस्त से स्पेशल बैच, और उसमें पूरा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको पूरी मास्टरी दी जाएगी एक एक टॉपिक पे। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कह के आज का सेशन हम प्रोफेसर HP शुक्ल को ही देना चाहूँगा, क्योंकि
वो कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे कि वो क्या-क्या चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं और हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं, और ये एक अलग तरीके का, एक रियल में डिवोटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, ये सारा इंस्टीट्यूट हम इन सारे एस्पेक्ट्स को लैंग्वेज के कवर करने वाले हैं। तो क्या होगा हमारा जो आगे का प्लान, बस मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि उनकी एक एक बात इतनी एक्यूरेट है, और ये एकदम जिसे कहते हैं ना कि मन की बात, जो बिल्कुल एक दिल की गहराइयों से निकलती है, वो बात है। और आप इसको ज़रूर सुनिए, और आपको अगर ज़रा सा भी लगता है कि हाँ मेटामॉर्फोसिस आपके कुछ भी काम आ सकता है, तो आप ज़रूर इसके बाद मुझे संपर्क कीजिएगा। LTO लेक्चरर के नए बैच हमने अभी ही शुरू किए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी चल रहा है हल्द्वानी में, और ऑनलाइन भी दोनों चल रहे हैं। और इस समय LT लेक्चर के 3-4 बैच चल रहे हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन UP TGT वाले भी संपर्क कर सकते हैं, और नवोदय विद्यालय वाले भी। जैसा कि आप जानते हैं मैं नवोदय विद्यालय की जॉब छोड़ के आया हूँ लेक्चरशिप की, तो मुझे पूरा अंदाज़ा है उसके इंटरव्यू तक। और अब तो प्रोफेसर HP शुक्ल जैसी जो है हस्ती हमारे पास हैं, तो UKPSC में भी जिनको इंटरव्यू की खास कर तैयारी करनी है वो ज़रूर इस वीडियो को सुने लास्ट तक। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रोफेसर HP शुक्ल का, आइए सर। पिछले 45 वर्षों से मुझे उत्तराखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला है। मैं गढ़वाल में रहा हूँ, कुमाऊँ में रहा हूँ एक लंबे अरसे तक। उसके बाद पिछले 10 वर्षों से मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में रहा हूँ। इतने लंबे अनुभव के बाद एंड आफ्टर हैविंग टॉट मोर देन many thousand students, I realized that there are certain problems in language teaching as well as learning of English language. Practically देखा जाए तो जैसे हम लोग जब विद्यार्थियों की कापियां जांचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई देती है कि हमारे विद्यार्थी सही अंग्रेजी नहीं लिख पा रहे, उनके सेंटेंसेस दे आर फॉल्टी, देर इज नो सब्जेक्ट वर्ब कोऑर्डिनेशन, नो नॉलेज ऑफ टेंसेस आर्टिकल्स प्रपोजिशंस, सो दीज आर सर्टेन एरियाज इन विच दे लैक बेसिक नॉलेज एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू राइट करेक्ट इंग्लिश। एक सबसे बड़ी कमी विद्यार्थियों की दिखती है। और दूसरी, आप सभी को मालूम है, दे आर सो हेजिटेंट, सो नर्वस व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश। दे आर मेनी, आई हैव कम अक्रॉस मेनी टीचर्स हु आर वेरी गुड इन रिटन इंग्लिश, दे कैन राइट वेरी वेल, बट दे कैनॉट स्पीक फ्लुएंटली। नाउ दिस फ्लुएंसी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस in speaking English is another major problem which our students are facing. I met Dr. Nagendra Gangola. He has been working with his institute Metamorphosis for a long time, and in a very big way he has been helping students from Uttarakhand both in the online and offline mode. I heard that last year, more than 75 students from Metamorphosis were selected for LT and lecturer English jobs. Now, that's a major achievement. It's a big achievement for a small town like Haldwani. So, hats off to Dr. Gangola. Then, it was at this point that I met Dr. Gangola and decided to collaborate. Decided to help him in a big way. So, apart from teaching undergraduate and postgraduate classes and guiding PhD research scholars, I have had also the opportunity of sitting as member on a number of boards. I have conducted interviews. I have been part of selection committees. I have been exposed to
number of students, variety of students who appear for lecturers' positions, for professors' position, for number of services offered by Public Service Commission, and I have evaluated answer sheets, not only of the universities in which I worked, but also of many universities from North India. That gives me quite a fair understanding of the state of English language teaching, as well as the teaching of English literature, particularly in the northern part of the country. दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैं खुद गांव से आया हूँ. I went to a village school. I studied in a Hindi medium school. और वहां से बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके I picked up the RP English, the right sounds of English language, the intonation, everything. It was a hard work, but I did it. और चूंकि मैंने किया है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो दूसरे बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से आ रहे हैं, उनको मैं ये टैलेंट, ये स्किल ट्रांसमिट भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी परेशानी क्या है, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, और कहां से उनको शुरू करना चाहिए और कैसे उनको प्रोग्रेस करना चाहिए. प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिकॉज आई हैव डन इट माई सेल्फ, इसलिए मुझे मालूम है कि ये प्रोसेस कैसी होती है और यहां पे मैं इफेक्टिवली उनको हेल्प कर सकता हूं. नागेंद्र से बात करते हुए हमने सोचा कि हमें एक ऐसे सेंटर की जरूरत है जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को होलिस्टिकली हैंडल किया जाए, जहां पे रिटन पार्ट भी हो, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, बोलना भी सही हो, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली एंड विद कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेट वॉट एवर आई वॉन्ट टू से, एंड देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, शुड बी एबल टू रीड डिफिकल्ट टेक्स्ट. अनलेस यू आर एबल टू रीड डिकेंस एंड डी एस लॉरेंस एंड डी एस एलियट एंड कॉलरिज, द डिफिकल्ट चैलेंजिंग टेक्स्ट that make your mind more alert, more critical, and more intelligent. And if we work in all the three ways, I'm sure it will lead to a holistic growth of the total personality of the student, who will be able to shine in whatever field he chooses to enter, wherever he wants to go. So this is the kind of project we have in mind, and of course we will be telling you the details when you get into touch with Dr. Kangola, and we will be publishing our curriculum, our courses that we will be launching in stages. That's all. I really look forward to welcoming you at Metamorphosis and having a meaningful interaction and a fruit-bearing session with you all. Thank you.